हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, ठीक है। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि भारत की टोटल 25 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें NIT, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी शामिल है, जहाँ से PhD में एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, ठीक है। मैं आपको 25 की 25 यूनिवर्सिटी के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से सारी सारी जानकारी देने वाला हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं हर बात समझाऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलने वाला कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो PhD से रिलेटेड हो या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड हो, तो हम आपको बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रखेंगे, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि भारत में टोटल 976 यूनिवर्सिटी हैं। कितनी है? 976 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टोटल 25 यूनिवर्सिटी है जहाँ से PhD में एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसमें NIT शामिल है, IIT शामिल है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल है और स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है, साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल है, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलता हूँ एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं NIT सूरत। देखो, NIT सूरत यहाँ पर PhD में एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 4 जून 2021। तो आप यदि NIT सूरत से PhD करना चाहते हो तो आप NIT सूरत की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे, IIIT पुणे, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 मई 2021। इसके बाद मैं बात करूं आपसे पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी PDEU, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2021। तो यदि आप पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई 2021। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी SMU, यहाँ पर भी PhD में एडमिशन के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसके बारे में आप बिल्कुल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूं आपके साथ बंकुरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बंकुरा यूनिवर्सिटी है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 27 मई 2021। इसके बाद हम बात करें काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, जिसकी लास्ट डेट 16 मई है, ठीक है, तो जो जा चुकी है। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 4 जून 2021। इसके बाद हम बात करें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसका लास्ट डेट है 24 मई 2021। इसके बाद बात की जाए संत लॉन्गवाल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SLIET, इसका लास्ट डेट है 15 जुलाई। इसके बाद हम बात करें आपके साथ BIT मेसरा यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन PhD एंट्रेंस टेस्ट जो आपका है 10 जून 2021 को। उसके बाद हम बात करें सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 मई 2021। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूं गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट GITM, इसका जो लास्ट डेट है वो है 24 मई 2021। इसके बाद हम आपके साथ बात करें शिव नदर यूनिवर्सिटी है, इसका जो लास्ट डेट है वो है 24 जून 2021। इसके बाद मैं आपके साथ बात करूं यदि टपर इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पटियाला में है, पंजाब पटियाला में है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2021, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल 25 यूनिवर्सिटी है जिनके बारे में मैंने आपके साथ बातें की हैं। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो, आप यदि PhD करना चाहते हो तो इन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से PhD कर सकते हो,
ठीक है। देखो यहाँ पर भी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मिल सकती है, लेकिन यदि मैं आपको सारी सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताऊँगा तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप खुद जाकर वहाँ पर पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीटों की संख्या भी बहुत अच्छी संख्या में है। जैसे यहाँ पर हम बात करें जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर टोटल 118 सीटें बिल्कुल आपको दिख रही हैं यहाँ पर, लेकिन इसकी लास्ट डेट जा चुकी है। ठीक है, इस तरीके से यदि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे इसकी लास्ट डेट 26 जून है, 10 जुलाई है इसकी लास्ट डेट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 जुलाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप 10 जुलाई किसकी है, श्री माता वैष्णो देवी वाले की है। इसके अलावा तो ओवरऑल बात यह है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ यूनिवर्सिटी की, और वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हो कि वहाँ पर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। मोस्टली सभी की सभी यूनिवर्सिटियों में आपको फेलोशिप मिलेगा, ये बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय। और इसी तरीके से आप बहुत शानदार शानदार इन्फॉर्मेशन चाहते हो, बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय।